हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। मनुजलतन लाइव चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरी रसीली जलेबी, एकदम हलवाई स्टाइल। घर पे आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। देखिए ऊपर से कितनी कुरकुरी है और अंदर से बिल्कुल रस भरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कुरकुरी रसीली जलेबी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है गिट्स का एक प्रीमिक्स पॉकेट। देखिए ये 100 ग्राम का पैकेट है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए एक बाउल में मैं ये सारा प्रीमिक्स निकाल रही हूँ। और ये 100 ग्राम के पैकेट के लिए हमें चाहिए लगभग आधा कटोरी, आधा छोटा कटोरी पानी। और वो पानी भी हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक गाढ़ा घोल हमें बनाना है, एकदम पतला नहीं चाहिए, इसीलिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा हिसाब से डालना है। थोड़ा मैं और इसमें डाल रही हूँ। ये जल्दी इंस्टेंट बन जाती है जलेबी। अगर कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो, अगर आपके घर कभी अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप ये इंस्टेंट फटाफट से बना सकती है। या कभी अभी बच्चों को छुट्टियां लगी तो बच्चे भी ज़िद करते कि अभी मीठा खाना है, तो आप ये फटाफट से बना करके उनको खिला सकती है। तो देखिए सभी पानी डाल के मैंने अच्छे मिक्स कर दिया है प्रीमिक्स को। देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल हमें चाहिए। तो ये प्रीमिक्स मैं अभी साइड में रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। तब तक हम बनाएंगे जलेबी के लिए शुगर सिरप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में आधा कटोरी शुगर पानी, और आधा कटोरी यहाँ पर मैं शुगर भी डाल रही हूँ। देखिए आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लेना है शुगर हमें, और मीडियम फ्लेम पे अब हम ये शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। और हमारा शुगर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है इलायची पाउडर। और अब हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है, तब तक हम बनाएंगे जलेबी। तो ये जलेबी प्रीमिक्स के पैकेट्स के साथ मुझे मिला है, ये एक जलेबी का मोल्ड। तो यहाँ पर मैं सभी मिक्सचर को डाल रही हूँ छोटे चम्मच की सहायता से। ये जलेबी मोल्ड से जलेबी ईजीली बन जाती है। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो फिर आप एक कॉटन के कपड़े में भी जलेबी बना सकते हैं, जैसे हलवाई बनाते हैं। कॉटन के रुमाल में सभी मिक्सचर डालना है और एक छोटा छेद करके जलेबी हमें फ्राई करनी है। तो देखिए शुगर सिरप हमारा बिल्कुल भी रेडी हो चुका है, एकदम गाढ़ा नहीं बनाना है हमें। तो देखिए इस तरह से मैंने मोल्ड में सभी मिक्सचर को डाल दिया है। और एक पैन में मैंने घी को गर्म कर दिया है। घी के जगह पर आप तेल भी यूज कर सकते हैं, पर घी में बनी जलेबी अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी जलेबी हमें रेडी कर लेनी है। देखिए इस तरह से सभी जलेबी को हमें इस तरह से ही तल के रेडी कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमें सभी जलेबी को तलना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मनु सुलतान लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पूरा फुल वॉच करने के बाद। और साइड में जो बेल आइकन होती है वो भी प्रेस कीजिए, कि इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और हमारी मुलाकात भी होती रहेगी। देखिए जलेबी तल के रेडी हो चुकी है लगभग। तो देखिए सभी जलेबी तल के रेडी हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल देंगे।
देखिए ब्राउन कलर की हो चुकी है हमारी जलेबी। तो देखिए इस तरह से सभी जलेबियाँ मैंने तल के रेडी कर ली हैं और शुगर सिरप भी हमारा रेडी है। और अब हम ये जलेबियाँ शुगर सिरप में डालेंगे। बट ये जलेबियाँ शुगर सिरप में डालते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि शुगर सिरप आपका गर्म हो। गर्म शुगर सिरप में आपको ये सभी जलेबियाँ डालनी है। इससे क्या होगा, हमारी शुगर सिरप में अंदर तक हमारा शुगर सिरप जाएगा और एकदम रस भरी हमारी जलेबी रेडी हो जाएगी। इस तरह से हम सभी जलेबियाँ शुगर सिरप में डालना है। और जलेबियाँ शुगर सिरप में डालने के बाद हमें 1 मिनट से ढककर रखना है। देखिए तो देखिए 1 मिनट हो चुका है और हमारा शुगर सिरप जलेबी के अंदर तक चला गया है अच्छे से। और हमारी जलेबी भी है रेडी हो चुकी है खाने के लिए, बिल्कुल भी रेडी है। रसभरी रसीली कुरकुरी जलेबी एकदम तैयार है। तो अगर आपको मेरा यह जलेबी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी न्यू हेल्दी रेसिपी देखने के लिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो देखिए इस तरह से सभी जलेबियाँ रेडी हो चुकी है खाने के लिए, बिल्कुल भी तैयार है। देखिए तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और देखते रहिए मनु हेल्थ एंड लाइफ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ, टेस्टी हेल्दी और क्विक होने वाली रेसिपी के साथ। बाय बाय। देखिए कितनी रसीली बनी है।